बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साफ़ुन आज़िम अहमद ज़ुल्फ़िकार शुवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी के ज़ेर सदारत मोहम्मद हराम के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए ज़िली अफसरान का अजलास। अजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू राना मूसा ताहिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, CEO एजुकेशन, CEO हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पुलिस रेस्क्यू 1122, वापडा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सुई गैस समेत दीगर तमाम ज़िली अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी ने अजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़िली इंतजामिया मोहर्रम हराम के मौका पर अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल को बरवेकार लाएगी। जिला की तमाम अमाम बारगाहों, मजालिस और जुलजना के जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। DC कम्प्लेक्स में सेंट्रल कंट्रोल रूम कैम किया जाएगा। तमाम प्रोग्रामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूसों के तमाम रास्तों की सफाई सुथराई और सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान का क्याम जिली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिलाशुबा शहर को अमन अमान का गहवारा बनाने में तमाम बेफिक्र के उलमा अकराम का करदार काबिल स्ताइश और मसाली रहा है। गुज़श्ता रवायात की तरह इस मुहर्रम अल हराम के दौरान भी मसाली मजहबी रवादारी, नगद और बुर्दबारी की फजा बरकरार रहेगी।